साल 2024 में 22 जनवरी का दिन बेहद शुभ है। इसी दिन अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और मृगशीरा नक्षत्र है। 22 जनवरी दिन सोमवार को हरि अर्थात विष्णु मुहूर्त है, जो 41 साल बाद आया है। इसी कारण अयोध्या में इसी तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। दोपहर 12:20 पर होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इनके अलावा देश के करीब 125 परंपराओं के संत महापुरुष और भारत की सभी विधाओं के 2500 श्रेष्ठ लोगों की उपस्थिति रहेगी। इस दिन तीन शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, मृगशीरा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा सूर्योदय से लेकर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग रहेगा। दिन खत्म होने के साथ ही रवि योग भी लग जाएगा। इन सब योग में अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होगा। इस दिन चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से शुरू होगा, जो 12:59 तक रहने वाला है। उसमें से ये शुभ मुहूर्त दोपहर 12:29:08 से 12:30:32 का रहेगा। ये अभिजीत मुहूर्त है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी को मृगशीरा नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है।